अयोध्या गठबंधन पर मायावती के झटके से सबक लेगी कांग्रेस। कांग्रेस का माया परिवार और अखिलेश को पुचकार के मायने क्या है? इस साल के आखिरी में होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए बीएसपी से झटका मिलने के बाद कांग्रेस ने न सिर्फ मायावती पर पलटवार किया है बल्कि गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ ने अपने एक बयान में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में गठबंधन को लेकर एसपी के साथ बातचीत कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से बात की थी, हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन बनाने और उसे कामयाबी के साथ चलाने के लिए दरियादिली दिखाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने मायावती के फैसले को कांग्रेस के लिए किसी तरह का झटका मानने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का बीएसपी का फैसला कांग्रेस के लिए कोई झटका नहीं है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि जमीनी समर्थन का उसका आधार मजबूत है। कमलनाथ ने दो टूक कहा कि बीएसपी गठबंधन के लिए जो सीटें हमसे चाहती थी हम उन्हें नहीं दे सकते थे। बीएसपी ने जो सूची सौंपी थी उन सीटों पर उनकी जीत संभव नहीं थी और जिन सीटों पर जीत होती उनका नाम सूची में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि इससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन की संभावनाओं को ये कहते हुए खत्म किया था कि कांग्रेस को इस बात का अहंकार हो गया है कि वो अकेले लड़कर चुनाव जीत सकती है। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस बीएसपी को खत्म करना चाहती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हो पाता है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।